मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहते हैं कभी कभी जब हमें धोखा मिलता है तो हमें समझदारी बहुत आ जाती है। तो किचन में भी कई बार हमें कुकर से धोखा मिलता है, तो आज मुझे दो बार कुकर ने धोखा दिया, लेकिन जो उसके बाद चीज़ बनकर आई बहुत ही लाजवाब तैयार हुई। मैंने पुलाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बन गया दम पुलाव, लेकिन बहुत ही टेस्टी, घर में सबको बहुत पसंद आया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप इसे ज़रूर देखिए, बहुत पसंद आएगी बच्चों को, बड़ों को। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्लास बासमती राइस लिया है, जिसमें मैं पानी डालकर इसे धोकर कम से कम आधे घंटे के लिए रखूँगी। आधे घंटा भीगने के बाद बहुत ही खिला खिला सा पुलाव बनेगा। तो चलिए कुछ मसाले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर काली मिर्च, छोटी इलायची, जीरा, लौंग और चक्रफूल, ये चीज़ें ली हैं, और कितनी क्वांटिटी में ली हैं वो अभी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जीरा लिया है लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो जीरा लेने के बाद अब मैं इसमें दो चक्रफूल डाल रही हूँ। चक्रफूल से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पुलाव आपका बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। चक्रफूल डालने के बाद अब हम इसे साइड में कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कुछ मसाले जो हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये दो मसाले तो हमें खड़े ही डालने थे, इसलिए इन्हें मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तीन हरी इलायची और साथ में 10 से 12 आप दाने काली मिर्च के ले लें, और साथ में अब हम यहाँ पर लेंगे लौंग। लौंग भी 3 से 4 लौंग ले लें, बहुत है, इससे ज़्यादा फिर ये खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता पुलाव। तो बस इतना ही डालें और इसे दरदरा पीस लें। दरदरा पीसने से इससे बहुत ही अच्छी महक उठेगी। तो पीसने के बाद हम इसे भी अब एक कटोरी में निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के 6-7 आलू, जिसे मैंने काटा नहीं है, और सोयाबीन वाली वड़ी, ये भी 10 से 15 दाने ले लीजिए, और 3 टमाटर का मैंने यहाँ पर प्यूरी बना लिया था, और 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 खड़ी लाल मिर्च यहाँ पर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। आप 2 बड़े प्याज लेकर उसे लच्छेदार इस तरीके से लंबाई में काट लीजिए। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलता है पुलाव में, तभी टेस्ट आता है। कुछ मसाले और मैं डालूँगी, तो वो आप वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर चढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं एक ग्लास बासमती राइस बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने छोटा कुकर लिया है। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे रख दिया है। जैसा कि 3 टेबल स्पून मैंने तेल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा सा इसे गर्म करेंगे। तब तक सारा सामान हम थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, जिससे कि डालने में हमें आसानी रहे। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें सबसे पहले जीरा और चक्रफूल डालेंगे। तो गरम तेल है, ये फटाफट से चटक जाएगा। हल्का सा आप इसे चला दीजिए। हल्का सा चलाने के बाद अब हम इसमें सोयाबीन वाली बरी डाल देंगे। इसे हल्का सा तेल में भूनना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आलू भी साथ में ही डाल दीजिए, या तो आप छर्री आलू इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत ही छोटे साइज़ के आलू जो भी होते हैं उन्हें आप छाट कर रख लीजिए, और इस तरीके के पुलाव में इसे डालकर बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलिए इसे भी मैंने थोड़ी देर तक चला लिया है। तो अब हम इसमें प्याज को डालेंगे। प्याज मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली थी। अब हम इसमें प्याज को डालकर साथ में हम लाल मिर्च डाल देंगे और इसे भी चलाएंगे। हल्का सुनहरा होने तक हमें इसे भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर दिया है, और प्याज को जब तक कि सुनहरा नहीं हो जाता तब तक हम उसे चलाते जाएंगे और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। पुलाव में मसालों को जब हम अच्छी तरीके से भूनते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू उसमें बरकरार रहती है। तो अब मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है, दरदरे पिसे हुए हरी इलायची, काली मिर्च और लौंग, वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। इसे आपने इसी तरीके से बाद में ही डालना है, पहले खौलते तेल में इसे ना डालें, नहीं तो इसकी खुशबू चली जाएगी। अब मैंने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, साथ में आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। हल्दी के साथ साथ अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर और देगी मिर्च यूज़ की है। हरी मिर्च मैंने 3 डाल दी थी, इसलिए देगी मिर्च यूज़ की है। और उसके बाद अभी मैंने 1/3 चम्मच तक गरम मसाला इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छा सा चला लेंगे। सारे मसाले अब इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें टमाटर की प्यूरी को डालना है। तो प्याज इस समय तक बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का हो चुका होगा, तो इसके बाद आप इसमें टमाटर की प्यूरी डालिए,
और तेल छोड़ने तक हमें टमाटर को इसमें भूनना है। टमाटर का कच्चापन पुलाव के टेस्ट को ख़राब कर सकता है, इसलिए 3 से 4 मिनट तक आपको इसे भूनना होगा। टमाटर भूनने के साथ साथ हमारी ये बरी और आलू वो भी अच्छे से इसमें भून जाएंगे। ढककर आप इसे रख दीजिए और 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे बहुत ही थिक हो गया है। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो अब हम बासमती राइस लेंगे जो कि मैंने धोकर पहले ही रख लिए थे, और भिगोने से ये देखिए थोड़े से फूल भी गए हैं और बिल्कुल दाना दाना हो गए हैं। अब इसे इसमें डालकर लगभग आधा मिनट तक आप इसे भून लीजिए। पुलाव बनाते समय जब भी आप चावल डालें तो ध्यान रखिएगा उसे थोड़ी देर भूनिए ज़रूर मसाले के साथ, तो पुलाव आपका बहुत ही खिला हुआ तैयार होगा। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए भुनाई भी हो चुकी है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी कितना डालना है, 1 ग्लास जिससे कि मैंने नाप लिया था बासमती राइस का, वो भरकर हम डाल देंगे चावल के हिसाब से, और जो हमने आलू और सोयाबीन की बरी डाली है उसका पानी अलग से डलेगा, यानी कि 1/3 ग्लास मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। और पानी के साथ चावल को मसालों को अच्छी तरीके से हम पहले तो इसे मिलाएंगे, उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। छोटा कुकर है तो इसमें लगभग आपकी 3 सीटी तक आएगी, लेकिन मेरा पहला धोखा यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर स्टीम बनी ही नहीं। मैं स्टीम का वेट कर रही थी और स्टीम बनी ही नहीं, तो मुझे इसे बड़े कुकर में शिफ्ट करना पड़ा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई स्टीम नहीं आ रही, ये मैंने बड़े कुकर में इसे डाल दिया है। पानी अगर थोड़ा सा कम हो गया हो तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिए। अब इस कुकर को भी मैं ढक्कन लगाकर छोड़ रही हूँ और इसमें भी हम सीटी का वेट करेंगे, लेकिन दूसरी बार धोखा मेरे साथ ये होगा कि ये सीटी भी नहीं आएगी। सब कुछ मैंने चेक किया था, सीटी आ रही थी, लेकिन जब मैंने पुलाव बनाया तो इसमें भाप बनी ही नहीं। फिर मैंने ढक्कन उतार कर इसे ढककर और नीचे तवा रख दिया और लेप फ्रेम पर इसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टील की प्लेट मैंने ऊपर दे दी है। तो अब ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसे पका दिया। कुकर की फेरबदल में ये आधे से ज़्यादा तो पहले ही कुक हो चुके थे। फिर उसके बाद जब मैंने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक दम देकर बनाया तो ये अच्छे से तैयार हो गए। तो थोड़ा सा गीला है, लेकिन ये पुलाव गीला ही अच्छा लगता है और इतना टेस्टी इतना मज़ेदार बना कि आपसे क्या बताऊं। घर में सबको इसका टेस्ट इतना पसंद आया, आप भी इस तरीके से बनाइए। हाँ, कुकर धोखा देगा तो इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन अगर दम पुलाव बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए, लोग आपसे रेसिपी भी पूछेंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करने के लिए आप अचार और चटनी ले सकते हैं। दही की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें पसंद है आप दही भी दे सकते हैं। सैलड ले लीजिए और इसे सर्व कीजिए। तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, आप भी इसे ट्राई कीजिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।